ओके दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारा अवेलेबल है, मगर उसमें जो वीडियो है उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे आपका अगर 30 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो उसका साइज़ कुछ GB तक पहुँच जाता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेटा चाहिए। एंड मैं जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी भी अच्छा रहता है, और आप जैसे 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो आपका ऐसे 40 MB या 50 MB के बीच में ही होगा। और उसको आप जैसे फ्री प्लान लेंगे तो आपका 50 MB, मतलब वो 15 मिनट का वीडियो बना सकते हैं एक बार में। तो आपको अगर 1 घंटा का एक पूरा वीडियो बनाना है तो आपको 4 बार 15 मिनट का वीडियो बना के उसको जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको गूगल में जाके स्कीनोमेट्रिक स्क्रीन कास्ट ओ मैट्रिक .com में जाना पड़ेगा। तो आप इधर चले जाइए, आने के बाद इधर आके आप देख सकते हो कि ये जो इसका वेब पेज है, तो आपको इधर से ये जो डाउनलोड फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, इसको आपको डाउनलोड करना है। तो आप मतलब उसका पेड प्लान भी ले सकते हो। तो इधर आप देख सकते हो कि इसका डिफरेंट तरह का प्लान है। तो ये जो फ्री प्लान है, इसमें आप एडिट वगैरह या म्यूजिक या कंप्यूटर का जो अंदर का जो साउंड होता है वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। जब बाहर का जैसे आप नरेशन कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो बाहर से, मगर ये अंदर का डिवाइस का साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये है आपका जो फ्री प्लान है, इसमें ये सब नहीं होता है। बाकी इसका डिलैक्स भी है, प्रीमियम प्लान भी है, तो ये आप कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे यूज़ कैसे करना है। आपको तो इधर जाके डाउनलोड कर लेना है, इसको डाउनलोड करके लॉन्च कर लेना है। तो उसके बाद आप डाउनलोड करोगे तो ऐसा वाला एक आइकॉन आएगा, इधर मैं जो दिखा रहा हूँ ऐसा वाला एक आइकॉन आएगा। तो उसमें आपको क्लिक करना है, तो उसके बाद ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, आपको ये लॉन्च फ्री रिकॉर्डर पे जाना है। ठीक है, तो आप चले गए। तो उसके बाद मान लो आप कुछ मोबाइल में कुछ वीडियो बना रहे हो, तो उसको उसके बाद ऐसे खोल गया। तो ये जितना भी इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे इधर सिलेक्ट करके इसको जितना साइज का करोगे उतना ही रिकॉर्डिंग होगा। मतलब आपको अगर स्क्रीन का आधा रिकॉर्ड करना है तो ऐसे कर देना, या पूरा रिकॉर्ड करना है तो उसको ऐसे आप चेंज कर सकते हो। उसका जो साइज को आप चेंज कर सकते हो, उस हिसाब से रेजोल्यूशन भी चेंज होगा। तो उसके बाद इधर ऑप्शन देखिए, जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको अगर वेबकैम रिकॉर्ड करना है तो आपको ये क्लिक करने से आपका वेबकैम ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऐसे वेबकैम ऑन हो जाएगा, आपका वेबकैम ऑन हो जाएगा, या बोथ करना है तो ऐसे बोथ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ऐसे स्क्रीन करना है तो ऐसे हो गया। उसके बाद आपको माइक्रोफोन ये वाला, और फ्री प्लान में कंप्यूटर ऑडियो बंद रहता है जैसे मैं आपको बताया पहले। तो उसके बाद जैसे मैं इसको लॉन्च करूँगा तो इधर रिकॉर्डिंग बोल का ऑप्शन आएगा, इसको आप ऐसे डिसकनेक्ट कर दो। करने के बाद आपको जो करना है, जैसे मैं इससे इसका एक वीडियो बनाऊंगा तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो आप कर लिए। तो उसके बाद इसको आप जैसे एडजस्ट करना है कर लीजिए। ठीक है, इसको जैसे मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद ऐसे आ गया कि पूरा स्क्रीन करना है, इसका छोटा कर देना है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दिया उस हिसाब से। सिर्फ मतलब मुझे स्क्रीन ही लेना है तो ऐसे कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आप इधर रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे तो आपका 1 2 3 करके रिकॉर्ड चालू होगा। जैसे मैं रिकॉर्ड का स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे स्टार्ट किया, देखिए 3 2 1 गो। तो उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू हो गया। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो बीच में आपको अगर कोई इंटरप्शन है तो आप पॉज कर सकते हो, पॉज करने के बाद फिर से इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, या अगर इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये कंप्लीट है, नहीं तो इसको फिर से मैं चालू कर दिया। ठीक है, देखिए 6 सेकंड के बाद से फिर चालू होगा, 6 सेकंड के बाद से चालू हो गया। तो जैसे आप कंप्लीट हो गया तो इसको आप ये कीजिए, अगर डिलीट करना है तो इसको ऐसे करोगे तो उसको फिर से चालू कर सकते हो डिलीट करके, नहीं तो अगर आप डन हो तो इसको डन कर दो। तो डन करने के बाद आपको ये एक है, डायरेक्टली एडिट में जा सकते हो, नहीं तो इसको जैसे सेव अपलोड करना है तो डायरेक्टली यूट्यूब में भी अपलोड कर सकते हो, मगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ पहले आप कंप्यूटर में सेव कर लो, उसके बाद उसको यूट्यूब में अपलोड करना। ऐसे डायरेक्टली यूट्यूब में अपलोड मत करना, इसको सेव एज फाइल करना। तो सेव एज ऐसे फाइल करेंगे तो इसको पब्लिश करना है। उसके बाद ऐसे पब्लिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस होगा, जैसे ये छोटा वीडियो था पब्लिश हो गया। तो ये मैं पहले बहुत सारा रिकॉर्डिंग किया था, ये डेस्कटॉप में आ जाएगा। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डेस्कटॉप में आपका ये डेस्कटॉप में ये वाला आ गया, ये वाला, ये रिकॉर्डिंग वाला आ गया। तो इसको मैं जैसे ही प्ले करूंगा तो ये प्ले हो जाएगा।
तो उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू है, तो जैसे आपको ये मैं जितना वीडियो रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड लिया, तो होगा इसका मैं आपको साइज जैसे रिकॉर्डिंग कितना करूंगा, सेकेंड का उसी था? हिसाब से 12 आपको सेकेंड का पोजीशन वीडियो लेना है, है, तो तो आप आपको इसका साइज देख सकते हो। इसका साइज बहुत ही कम होगा, कुछ MBs में होगा। जैसे इसका साइज हो गया आपका कितना, MBs भी नहीं है कुछ, आपका 366 KB है, ओनली 366 KB। मगर इसका जो रेजोल्यूशन है बहुत ही अच्छा है, जैसे 720p या 480p तो होगा ही। आप YouTube में अपलोड करोगे तो उसके बाद इसको आप डायरेक्टली YouTube में आप अपलोड कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।